अशोक कुमार के नाम से फर्जी दरोगा बन के आया और 50,000 रुपये ले गया नौकरी लगवाने के चक्कर में। इसके हिसाब से उन्होंने पैसे लिए थे 2.5 लाख रुपये में कह रहा था, 50 ले गया था, 2 लाख रुपये आज लिया। जनपद की रमाला पुलिस ने नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाले एक फर्जी दरोगा को गिरफ्तार किया है। आरोपी पुलिस की वर्दी पहन लोगों पर रौब जमाता था और रुपए वसूलता था। बागपत जनपद के रमाला थाने में नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों से लाखों की ठगी करने वाले इस फर्जी दरोगा को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी कई लोगों से नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया करता था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुट गई है। पकड़े गए आरोपी का नाम यश है, जो हरंकला जनपद शामली का रहने वाला है। आरोपी पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों पर रौब गालिब करता था और लोगों को नौकरी दिलवाने के नाम पर लाखों की ठगी भी किया करता था। हाल ही में फर्जी दरोगा यश बुढ़पुर गांव निवासी सन्नी को पीआरडी में दरोगा बनवाने के नाम पर 2.5 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी। सन्नी आरोपी यश को 50,000 रुपए एडवांस भी दे चुका था। 50,000 रुपए लेकर फर्जी दरोगा यश ने सन्नी को पीआरडी में दरोगा बनाने का फर्जी नियुक्त पत्र थमा दिया और मंगलवार को बाकी 2 लाख रुपए लेने बुढ़पुर गाँव गया हुआ था। सन्नी और उसके परिजनों को शक हुआ तो उन्होंने इसकी सूचना रमाला पुलिस को दे दी। सूचना पर रमाला पुलिस मौके पर पहुंची तो फर्जी दरोगा यश रमाला पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को दबोच लिया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बागपत में फर्जी दरोगा गिरफ्तार कर लिया गया है, जो अब तक वर्दी की आड़ में लाखों लोगों को चूना लगा चुका था। फर्जी दरोगा से आधा दर्जन से अधिक फर्जी नियुक्त पत्र भी बरामद किए गए हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये अशोक कुमार के नाम से फर्जी दरोगा बन के आया और 50,000 रुपये ले गया नौकरी लगवाने के चक्कर में, और इसने और भी कई लोगों से मांग रखे थे, किसी ने दिए नहीं और मैं भरम के मांग के मुझे फर्जी वो दे दिया मेरे साथ में कि लो फर्जी तुम्हारा वो भी दिया इन्होंने ज्वाइनिंग लेटर भी कि जो अपना ज्वाइनिंग करो और तुम्हारी नौकरी लग जाएगी पीआरडी में, पीआरडी पुलिस में। उसके हिसाब से उन्होंने पैसे लिए थे 2.5 लाख रुपये में कह रहा था, 50 ले गया था, 2 लाख रुपये आज लेना। काम लगा थे इसमें रमाड़ा, एक मैं फोटोग्राफर हूँ रमाड़े में, इसमें फोटो खींचने के लिए गया था। उन्होंने बोला कि भाई ये वर्दी में आया था पूरी वर्दी में अपनी, और जब इन्होंने फोटो खींच जब नंबर दे के गया था, बीच बीच में फोन आते रहे इसके कि मेरा मेरी पोस्टिंग होगी जो वहाँ वो हो गया, प्रमोशन हो गया, अब 3 वो मिल गया मुझे, अब 3 स्टार लग गए तो भी पैसे दे दे नौकरी लगवा दूंगा, ये है वो है। कहाँ का रहने वाला है ये? अब मूल पर का पता चला, पहले कहीं और का बता रहा था, अशोक कुमार पर बता रहा था, अब यस यस के नाम से है, यस कुमार है इनका नाम। थाने में तेरी थी? हाँ, थाने में मैंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ में फ्रॉड करती हुई है। अब थाने वाले अपने रमाले थाने में भी आया है क्या? रमाले थाने में तो पहली बार ही आया वो, शायद पहले भी 2 बार ये जेल जा चुका है, पता चला है थाने से ही।